लिंग का नॉर्मल साइज और गोलाई कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। काफी लोगों को सवाल रहते हैं, बहुत लोगों को फोन करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन होते रहते हैं और उनकी एक ही कंप्लेंट रहती है कि मेरा लिंग जो है वो बहुत छोटा है, उसको बड़ा करने का है, क्या आपके पास में दवाई है क्या? तो उसके बारे में आज बातचीत करूंगा कि गोलाई गर्थ और लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि उसके लिए इलाज करने की जरूरत है या नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेहत रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त रहने हूं, महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। लोग बहुत चिंतित होते हैं कि भाई मेरे लिंग की लंबाई जो है वो छोटी, मतलब लंबा नहीं है जितना चाहिए उतना, और फिर लंबा नहीं है तो मैं मेरे स्त्री पार्टनर को या पार्टनर को खुश नहीं कर सकूंगा और फिर उसको फिक्र रहती है उनके बारे में, मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकूं, कैसा हूं मुझे लंबा करने का है। अब ये आया कहां से? तो होता है कि एक तो वो पॉर्न वीडियो देखते हैं कि भाई बहुत लंबा है, और पॉर्न वीडियो में जो देखते हैं वो देखते के देखते के उनको लगता है कि भाई इतने समय तक चलना चाहिए सेक्स और इतना लंबा होना चाहिए। हालांकि आपको बताऊंगा कि 2.27% मतलब अप्रोक्सिमेटली 1.25% लोग, और इसका मतलब होता है 600 में से 5 लोग सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 600 में से 5 लोग उनका लिंग जो है वो 7 से 8 के लंबा है, 600 में से 5, और 1000 में से 7 लोग उनका लिंग 9 इंच बड़ा है, 9 इंच से बड़ा। लोग वो देखते हुए लगता है कि भाई इतना बड़ा होना चाहिए, एक्चुअली उतना बड़ा रहता नहीं है। एवरेज पेनिस लेंथ जो है जब वो ढीला रहता है, फ्लैसिड रहता है, तो वो रहता है 3.6 इंचेस लंबा। गोलाई में एवरेज फ्लैसिड पेनिस की जो गोलाई है अप्रोक्सीमेटली उतनी आती है 3.6 या 3.7 इंचेस गोलाई। ये हो गया फ्लैसिड में, मतलब ढीला है। जब वो कठोर हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो एवरेज इरेक्ट पेनिस जो है उसकी लंबाई जो है वो है 5.16 इंचेस, और एवरेज गोलाई जो है इरेक्ट पेनिस की वो है 4.6 इंचेस। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 इंच यदि रहा तो लंबाई में ठीक है, और 5.25 इंच गोलाई में रहा लंबाई में और गोलाई में तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग परेशान इसलिए रहते हैं कि उनको लगता है कि मैं जो जब देख रहा हूं उनको ऑन वीडियो में तो उतना होना चाहिए, या फिर वो कॉमन यूजर में जाते हैं वहां बाकी लोगों को देखते हैं, उनका लिंग देखते हैं, और उनका लिंग देख के उनको लगता है कि भाई उसका बहुत बड़ा है मेरा छोटा है, और वो शायद वो बड़े लोगों में आता होगा स्टैटिस्टिकली, जो मैंने बताया कि 600 में से 5 लोगों का 7 से 8 इंच का है, वो लोगों में शायद देखा आ गया उसका देख लिया लगता है कि इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर सवाल आता है भाई कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम मिनिमम टू मिनिमम कि जिसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो अभी जो स्टैटिस्टिकली जो रिसर्चेस हुए उसके मुताबिक 1.6 इंच से भी कम है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच से भी कम है, और इरेक्शन में 3 इंच से कम है तो उसको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है, 1.5 इंच और 3 इंच उसको डॉक्टर सलाह लेने की जरूरत है। फिर लोगों को सवाल ये आता है कि क्या मेरा 4 इंच रहा तो क्या मैं सेटिस्फाई कर सकूंगा स्त्री पार्टनर को? बिल्कुल, 1.5 इंच से कितना भी ज्यादा रहा तभी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वजाना जो है, योनि जो है, उसका बाहरी 1/3 हिस्सा जो है, आउटर 1/3 वही सेंसिटिव रहता है, वही सेंसेशन रहता है, उसके अंदर सेंसेशन स्त्री को रहता ही नहीं। तो फिर आपने कितना भी अंदर लंबी एंट्री कर लिया है, कितना भी लंबा लिंग रहा हो, कितना भी अंदर चले गया, तभी उसको सेंसेशन ही रहता नहीं है, तो फिर मजे आने का नहीं आने का सवाल ही क्या। हाँ, 1.6 इंच से कम है तो फिर बराबर है, इरेक्शन में 3 इंच से कम है तो बराबर है, क्योंकि यदि आपका 3 इंच भी रहा है, 4 इंच भी रहा हो, पूछा तो आपको समाधान हो रहा है क्या, तो और बोलेंगे हाँ मेरे को समाधान हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है। उसको पूछा कि आपका आपको क्या लगता है कितना होगा लंबाई, तो बोलेंगे मेरे को लगता है कि 1.5 इंच होगा, क्योंकि उसको अंदर सेंसेशन रहते नहीं कितना, तो फिर सवाल आता नहीं।
मगर लोग बहुत परेशान रहते हैं कंपैरिजन में, तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप कंपैरिजन नहीं करना है, बिल्कुल कंपैरिजन मत करो। 1.6 इंच फ्लैक्सिबल कंडीशन, 3 इंच इरेक्शन, इससे कम है तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह। लोग जो कंप्लेन करके आते हैं हमारा छोटा छोटा होते जा रहा है, ऐसा छोटा छोटा नहीं होता रहता, हाँ बड़ा होते रहता है छोटा नहीं होता रहता। फिर छोटा क्यों होता है? क्योंकि उम्र बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि फैट पेट के ऊपर जमा होता है, लिंग के आजू बाजू में फैट जमा होना है, चर्बी। जब चर्बी जमा हो जाती है तो लिंग को कवर इधर उधर से कर लेती है, जैसा रेत है समुद्र के किनारे में, सैंड है, उसमें समझो आपने लकड़ी खुपस दिया अंदर और आजू बाजू में रेत जमा कर दिया, तो लकड़ी की लंबाई छोटी दिखी नहीं दिखेगी क्योंकि आजू बाजू में रेत है। रेत बाजू करो, सैंड बाजू कर देंगे तो लकड़ी लंबी दिखेगी। वैसे वो फैट का होता है, फैट बहुत जमा हो जाता है, आदमी ऊपर से देखता है, ऊपर से उसको छोटा दिखता है क्योंकि आजू बाजू में बहुत फैट है, ऐसा कुछ भी रहता नहीं। अब यदि गिरना ही है तो स्केल लेने का है और स्केल फैट में अंदर घुसाने का है, और अंदर घुसा के लिंग की लंबाई यदि आप गिन ले तो आपको समझ में आएगा कि लिंग की लंबाई एग्जैक्टली कितनी होती है। और लोग इतना ऑब्सेस्ड है, इतना ऑब्सेस्ड है, इन्हें लंबा होना है, लंबा करना है, कौन सी भी दवाई बताओ, कुछ भी बताओ, कितना भी खर्चा करने को तैयार है, मेरे को लंबा करना है, मतलब ऐसे लोग ऑब्सेस्ड है। मुझे ये बताने का है कि आपने कोई भी किसी डॉक्टर के बहकावे में आने का लिंग ऐसा कुछ लंबा होता नहीं है, और ऐसा लंबा करके कुछ सेटिस्फाई करने के चक्कर में पढ़ना नहीं, ऐसी कुछ दवाई लेना नहीं है। हाँ इरेक्शन नहीं होता है उसके लिए दवाई है, फ्लैक्सिबल कंडीशन में लंबा नहीं होना, इरेक्शन के समय यदि इरेक्शन नहीं हो रहा है और उसके वजह से आपको लगता है कि लंबा नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर दवाइयां हैं जैसा सिलेनाफिल, टाडालाफिल, वर्दनाफिल, एवेनाफिल, ये एलोपैथी मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन है, कि जिसमें आपको लिंग का इरेक्शन अचीव करने में आपको सहायता होती है, या फिर हम काउंसलिंग करते हैं जिसमें इरेक्शन हो सकता है। तो एवरेज कंडीशन में फ्लैक्सिबल कंडीशन में मुझे आखिरी में इतने बोलना है कि 1.6 इंच से कम नहीं होना चाहिए जब फ्लैक्सिबल है, और इरेक्ट है तो 3 इंच से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप चिंता करने की कुछ भी बात नहीं है। मैंने आपको हमारे ऐप की लिंक दी हुई है, फिर से मैंने आपको नीचे ऐप की लिंक दी हुई है, आप ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारी वेबसाइट की लिंक है उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम जो चल रहे हैं, हिप्नोटिज्म के प्रोग्राम, सिक्स वेबिनार्स के प्रोग्राम, हमारे ऐप में अलग अलग प्रोग्राम से, वो सभी प्रोग्राम की जानकारी आपको बीच बीच में मिलते जाए। वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।